वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं भाई को बताऊंगा कि आप किस तरीके से, चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हैं, चाहे आप आईफोन यूजर हैं, किसी भी दोनों यूजर अगर आप हैं, किस तरह बिना किसी एप्लीकेशन के VPN को किसी भी कंट्री के सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट किसी भी एप्लीकेशन के। ठीक है, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं। अगर आप बोलेंगे कि भैया हमें पीसी को बचाइए, ठीक है, कस्टम आईपी किस तरह लगाते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बना दूंगा। राइट, आप किस तरह पीसी के ऊपर कस्टम आईपी लगा सकते हैं, सब कुछ। तो आज की वीडियो के अंदर आप मोबाइल के अंदर, चाहे वो एंड्रॉइड यूजर है, चाहे आप आईफोन यूजर है, किस तरह आपने इसको यूज करना है, किस तरह आप VPN चला सकते हैं विदाउट किसी भी एप्लीकेशन के। आपको मैं एक ब्राउजर दे रहा हूँ, उस ब्राउजर के डाउनलोड कर लेंगे, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपने वही वाला ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है पहले, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद वो वेबसाइट अगर जब आप खोलेंगे, ठीक है, वहां से हमने सारा काम करना है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सारा काम होगा। रिक्वेस्ट करूंगा, पहली मरतबा चैनल के ऊपर आए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर देते हैं, नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी गाइस, आपने ये वाला जो ब्राउजर है ये आपने डाउनलोड करना है, किसी वजह से कह रहा हूँ। राइट, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। इस ब्राउजर को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे गूगल में, आपने लिखना है VPN प्रॉक्सी मास्टर 2020। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपको एक पोस्ट नजर आएगी, VPN प्रॉक्सी मास्टर 2020, इस पर हम करेंगे क्लिक। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो सिंपल, आप थोड़ा सा पेज नीचे करेंगे, देखें आपको लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पर, डाउनलोड UPX ब्राउजर, एज यू कैन सी हियर। राइट, यहाँ से आपने UPX ब्राउजर को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये रहा वो ब्राउजर। आपने ब्राउजर ओपन करने के बाद, राइट, यहां पर आपने लिखना है VPN, देख लीजिए अच्छी तरह, VPN GATE.NET। ठीक है, आपने ये करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा। राइट, आप ये देखें, यहां पर आपको चेक लगे हुए नजर आ रहे हैं, एज यू कैन सी। सबसे पहले तो आपने ये पहला चेक हटाना है, उसके बाद आपने ये वाला चेक हटाना है, उसके बाद आपने ये वाला चेक हटाना है। आपका जो चेक लगा होना चाहिए वो आपका चेक लगा होना चाहिए L2TP/IPsec के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पेज को आप थोड़ा सा इधर करेंगे तो देखें आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि रिफ्रेश सर्वर लिस्ट, इस पर आप करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद अब आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। देखो, मैं पता है क्यों कह रहा हूं इस ब्राउजर का, अगर तुम अपने नॉर्मल ब्राउजर को यूज करोगे ना, ठीक है, तो तुम्हारी कंट्री दिखा देगा यहां पर। ठीक है, आज तुम देख रहे हो ना, यहां पर तो फ्रांस दिखा रहा है। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूं कि कोई रीजन है जब भी कह रहा हूं। एनीवेज, सो ये रहा, इस चेक लगा हुआ है, इसके नीचे सिर्फ एक ही चेक लगा होना चाहिए। अब यहां पर आप जरा देखिए कि मैं नीचे करता हूँ, अपने भाई को दिखाता हूँ कि देखो, जैसे थोड़ा जूम कर दूँ, USA का सर्वर, जापान, रोमानिया, जर्मनी, रोमानिया, हांगकांग, इस्टोनिया, जापान, ईरान, जर्मनी आ गया, जर्मनी, फिलिपाइन, राइट, सो ईरान, हांगकांग, सीरिया, बहुत सारे हैं। एनीवेज, मेन जो चीज़ है यहाँ पर, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर टेक्निकल चीज़ समझ लें। देखो, यहाँ पर जो पिंग है वो 11, आपने वो सर्वर सेलेक्ट करना है जिसकी पिंग जो है वो कम हो और उसकी स्पीड ज़्यादा हो। याद रखिएगा, पिंग कम हो, उसकी जितनी पिंग कम होगी, राइट, उतना ही अच्छा है, और स्पीड ज़्यादा हो। अब इसकी 11 है, नीचे वाले की 12 है, उसके नीचे वाले की 11 है, फिर 15 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 14 है, इसकी 10 है, इसकी 14 है, इस तरीके से इसकी देखो पिंग है, 1 है। ठीक है ना, सो मतलब जितना पिंग कम होगा उतना अच्छा है। सो मैं अपने केस के अंदर जापान को ले रहा हूँ। ठीक है, अपने भाइयों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, भैया यहाँ पर आ जाते हैं हम, यहाँ पर वापस मेक श्योर कि यहाँ देखो तुम उसी पेज के ऊपर हो जहाँ पर L2TP/IPsec हो। ठीक है, सो यहाँ पर आने के बाद इसकी 11 है तो मैं 11 वाले की ले लेता हूँ। ठीक, अब ये हमें चाहिए। अब ये कैसे चाहिए इसको हम अभी बताते हैं। आप जाएंगे अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर आने के बाद आपको कनेक्शंस में आपने जाना है। कनेक्शंस में जाने के बाद आपको ये देखें एक ऑप्शन नजर आ रहा है, मोर कनेक्शन सेटिंग्स, राइट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास VPN की सेटिंग्स आ जाएंगी। बट अगर आपके पास ये नहीं आता, ठीक है, तो आप वापस बैक आएंगे, आप अपने मेन मोबाइल की सेटिंग्स में आएंगे, सर्च में आपने यहां पर लिखना है VPN। ठीक है, VPN लिखेंगे और इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद VPN आपके पास लिखा हुआ आ गया और मोर कनेक्शंस की सेटिंग में देखो लिखा हुआ आ गया, जो कि मेरे पास पहले आ रहा था। सो मैं डायरेक्टली VPN पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर क्लिक करने के बाद मैं यहां से भी जा सकता हूं, राइट, अगर मैं नहीं भी करता तो मैं वापस मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाके, राइट, और ये रहा मोर कनेक्शन सेटिंग्स, और मैं VPN में चला जाऊंगा। इस तरीके से आपने जाना है, और ये जो प्रोसेस है ये सेम आईफोन यूजर्स के लिए भी है, सिर्फ एंड्रॉइड वालों के लिए नहीं है, वो जो आईफोन यूजर्स हैं वो भी इस तरह ही जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर आप बाय डिफॉल्ट कोई भी मतलब VPN अपने एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो आपको यहां पर शो कर देगा।
मैं आपको बड़ी काम की चीज भी दिखाऊंगा एंड के अंदर उन भाइयों के लिए जो वीपीएन को यूज करते हैं बड़े और दूसरे पर्पस के लिए, वो मैं एंड में बताऊंगा। एनीवेज, आपके अगर अगर आपके पास कोई भी वीपीएन ऐड नहीं है, मतलब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हुई भी, तो यहाँ शो नहीं करेगा, प्लस का आइकन शो करेगा। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और एड वीपीएन प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं चूंकि जापान का ले रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा जापान VPN, राइट, ये मैंने नाम दे दिया। उसके बाद आपने जो आप देख रहे हैं PPTP, राइट, इस पर आप क्लिक करेंगे। हो सकता है या आपके पास जो मैं ऑप्शन बताने जा रहा हूँ आपके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी आ सकता है, ठीक है। आपने जो सिलेक्ट करना है दैट इज L2TP/IPsec/PSK। मेरे पास ये पहला ऑप्शन आ रहा है, हो सकता है आपके पास ही पहला ही है, राइट, L2TP/IPsec/PSK आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम आएंगे वापस यहां पर, ये रहा वो सर्वर, राइट, जो कम पिंग वाला है, राइट, जो मैं ले रहा हूं जापान का। इस सर्वर को आप करेंगे कॉपी, यानी इस एड्रेस को हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहां पर सर्वर एड्रेस के अंदर हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद थर्ड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहां पे IPsec pre-shared key, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपने यहां पर स्मॉल लेटर्स में लिखना है VPN, स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है, सेव पे आप करेंगे क्लिक। अब आपका ये VPN यहां पे सेव हो गया। अब जब भी अगर आप जापान की बहुत सारी यूज कर रहे हैं तो VPN जापान VPN 1, 2, 3 करके भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, चाहे कोई भी VPN कोई भी सर्वर यूज करें उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो आपने यूजर आईडी देनी है VPN स्मॉल में, पासवर्ड भी आपने VPN स्मॉल में ही देना है, और उसको हम सेव पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये कनेक्टिंग हो रहा है, राइट, जैसे कनेक्ट होता है मैं अपने भाई को आगे लेके बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। हमारा VPN कनेक्ट हो गया और आप ऊपर भी देख सकते हैं हमारे पास चाबी का निशान बना हुआ आ गया। इट मींस कि हमारा जो VPN है वो अच्छे से कनेक्ट हो गया, यानी कि हमें किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इस तरीके। और आपने DC कैसे करना होगा, यहाँ से इसी पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो आप सुनना, चाहे तुम अपना एप्लीकेशन से VPN चला रहे हो, चाहे तुम इस तरह चला रहे हो, अब मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अगर तुम एप्लीकेशन से चला रहे हो तो तुम इसकी सेटिंग्स में आओगे इस तरीके से। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, लिखा हुआ है ऑलवेज ऑन VPN। अगर तुम चाहते हो कि तुम, यानी कि तुम्हारा मोबाइल हमेशा VPN पे ही मतलब इंटरनेट चले, मतलब चले, तो तुम इसको ऑन करोगे। उससे भी खतरनाक सेटिंग यहाँ पर है, नीचे देखो लिखा हुआ है ब्लॉक कनेक्शंस विदाउट VPN। यानी अगर तुम कुछ और ड्रामे करते हो ना, ठीक है, समझना मेरी बात को, अगर तुम ड्रामे कोई और करते हो, तुमने पहला वाला ऑप्शन ऑन करोगे तो नीचे वाला ऑप्शन तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा कि तुम उसको ऑन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, राइट। अगर तुम नीचे वाला ऑप्शन ऑन करते हो, राइट, उससे होगा ये कि अगर तुम वाईफाई से कनेक्टेड हो और अचानक से वाईफाई तुम्हारा बंद हो गया, बंद होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा VPN भी बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम जिस सेकंड वाला ऑप्शन ऑन कर दोगे, अगर तुम्हारा वाईफाई बंद हो गया तो और तुम्हारा VPN भी बंद हो गया, तो तुम्हारी यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली उनको एक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे ही इंटरनेट तुम्हारा आएगा, राइट, तो पहले ये VPN को कनेक्ट करेगा, उसके बाद ही एप्लीकेशंस को एक्सेस देगा। ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन मेरे भाई को समझा रहा हूँ मैं, मेरे बहुत सारे भाई लोग जानते भी होंगे, बट वो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जानते नहीं है, यानी जो ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं जिनको चौबे तब उनको क्या नाम है VPN ही कनेक्टेड रखना होता है, ये उनके लिए समझा रहा हूँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ किसी बेहतरीन और बहुत ही जानदार वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।